खुदी को कर बना तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे क्या तेरी रजा क्या है। आज हमें बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे सलानी पंचायत के अंदर प्राइमरी स्कूल सेरा है, जिसके अंदर बच्चों का बैठना, बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही खस्ता हालत है। यहाँ पे आए हम, हमारे साथ सरपंच साहब आए, मेंबर साहब आए, और यहाँ के हम आस पड़ोस के जितने भी थे वो यहाँ पे पहुँचे, और हमने यहाँ पे देखा कि बच्चों की बहुत खस्ता हालत है। बच्चों आज आने वाले वक़्त में जो हमारी कौम को संभालेंगे वो ये बच्चे हैं, वो ये नन्हे मुन्ने पौधे हैं, और इस बारिश के अंदर, इस धूप के अंदर उनको जगह नहीं कि वो यहाँ बैठें, बारिश के अंदर जगह नहीं कि वो यहाँ पर बैठें, और हर जगह से पानी जो है बूंद बूंद टपक रहा है, जैसे कि इस बिल्डिंग की अंदर, बिल्डिंग के अंदर ही बारिश हो रही है। हमें बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे DDC मेंबर जो है चौधरी इमरान जफर, वो गानी स्कूल में गए, और मैं उनसे ये इल्तजा करता हूँ कि वो हमारे सलानी स्कूल हाई स्कूल में भी आएँ, मिडिल स्कूल में भी आएँ, और हमारी पंचायत के अंदर जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी सेंटर हैं और चाहे वो स्कूल हैं, उनके अंदर आके दौरा करें और यहाँ का हालात चेक करें। हमारी यही इल्तजा है, और यहाँ का माहौल जो है वो बहुत ही खस्ता हाल है, और आज से ये स्कूल जो है 40 साल पहले, तकरीबन 40 साल से पहले इसकी बुनियाद रखी गई है, और जैसा कि 40 साल पहले था आज भी वही कंडीशन है, और जैसा कि आज ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक गवर्नमेंट से इल्तजा करते हैं, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे इल्तजा करते हैं, और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये इल्तजा करते हैं कि जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यहाँ पे आएं, विज़िट करें, बच्चों को चेक करें, और हम यही उनसे दरख्वास्त करते हैं। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इसी बात पे ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी हाँ, आज हम यहाँ जो हमारा प्राइमरी स्कूल सेरा में, जो सलानी पंचायत के अंदर, जिसमें हमारे लम्बरदार साहब और मेंबर साहब भी और कुछ यहाँ पे जो पड़ोस के लोग हैं वो भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए, तो अचानक यहाँ से एक फ़ोन मुझे गया कि यहाँ की स्कूल की कंडीशन बहुत बड़ी ख़राब है। तो फिर मेरा लम्बरदार साहब से भी कॉन्टेक्ट हुआ और मेंबर साहब से भी, और यहाँ हम तुरंत पहुँचे। यहाँ इतनी बुरी कंडीशन है कि स्कूल का जो छत है उससे भी पानी आता है, और स्कूल के पीछे से जो उसकी दीवार है उससे भी पानी आता है। यहाँ पे बच्चों के बैठने के लिए बहुत ही बड़ी एक मुश्किल बात है, जिसके अंदर मैं यहाँ को क्या बताऊँ। आपके सामने है स्कूल भी, और हमने जो वीडियो बनाई है वो भी आपको दिखाएंगे हम कि स्कूल की कंडीशन क्या है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है। पिछली बार हमने एक दो महीना पहले यहाँ पर मीटिंग ली यहाँ पर कि आप हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं अपने बच्चों को वहाँ पर दाखिल करवाओ, क्योंकि अच्छे टीचर होते हैं यहाँ पर, पढ़ाने वाले होते हैं। तो सब लोगों ने हमारी वो मानी भी, और सब ने मेहनत की, और बच्चे यहाँ पे लगभग सब जो यहाँ के पड़ोस के मोहल्ले वाले बच्चे सब यहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए आए। आज की डेट में इस प्राइमरी स्कूल के अंदर 50 बच्चों के लगभग यहाँ पे स्ट्रेंथ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे बैठने की कोई भी जगह नहीं है। बारिश होती है तो बच्चों का ये 5-6 बच्चे हैं, बाकी बच्चों की बैठने की जगह ही नहीं है। तो मेरी एक ही गुजारिश है, गवर्नमेंट का इतना बड़ा दावा है और इतनी बड़ी एक गवर्नमेंट की एक स्ट्रगल है इस टाइम पे, कि एजुकेशन का निज़ाम जो है वो बेहतर से बेहतर किया जाए। जहाँ पे एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो, जहाँ स्कूल की किसी भी कंडीशन की प्रॉब्लम हो, उसको बेहतर किया जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन को हम बार बार कहते हैं
पिछली हमारी मीटिंग भी हुई एक दो हफ्ते पहले मनकोट के अंदर, वहाँ पे भी मैंने एजुकेशन पे बात की कि हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको बहाल किया जाए। जब हमारी एजुकेशन ठीक हो जाएगी, जब ये हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हो जाएंगे, तो हमारी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली खुद ही होगी जो बाकी गाँव की डेवलपमेंट है। तो मैं खासकर फिर एक बार आज की इस डेट में बारिश इस टाइम भी हो रही है, पूरा अंदर पानी आ रहा है स्कूल के अंदर, मेरी डीसी साहब पूंछ और खासकर जो हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है एलजी साहब से मेरी गुजारिश है कि स्कूलों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए और गवर्नमेंट का ही पूरा फोकस है, और इस हमारा जो प्राइमरी स्कूल है इस पर पूरा या तो एक आप टीम भेजें स्पेशली एक एजुकेशन, तो वो हमारी बात को कट कर देते हैं। पिछली बार यहाँ पे हमने मीटिंग की तो वो अचानक यहाँ पे विजिट करने के लिए आए, हमें क्यों नहीं बताते? क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस गांव के अंदर? आज इंपावर किया हुआ है गवर्नमेंट ने पंचायत को, थ्री टायर सिस्टम है पंचायत का, तो हमने यहाँ पे मीटिंग की, दूसरे दिन वो आते हैं देख कर चले जाते हैं, मुझे उस टाइम पता चलता है जब वो अपने घर पहुँच जाते हैं। मेरी एक ही गुजारिश है, जब भी कोई महकमा वाला आए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, कोई मास्टर हो, कोई टीचर हो, कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो, कोई किसी भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर हो, मुलाजम हो, हमारी एक ही गुजारिश है कि हमारा जो हक है, अगर हम हक के लिए भी लड़े तो हमारी बात को ना सुना जाए, तो मैं एक पूछता हूँ कि फिर हम कहाँ जाएंगे? मेरी गुजारिश है अपने डीसी साहब पुंछ से कि आप यहाँ पे एजुकेशन के जो ऑफिसर बैठे हुए हैं उनको स्पेशली हुक्म दिया जाए, वो स्कूल को चेक करें, और जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इतना ख़त्म हो चुका है कि हम बताने के लायक नहीं है, वो यहाँ पर चेक करके आएँ, वो चेक करें और बताएं आपको भी, और हमारे इस वीडियो पे गौर किया जाए। और स्पेशली मेरी डीसी साहब से गुजारिश है कि आप, ये शहीद औरंगजेब का गांव है, आज हमें हर चीज़ के लिए तरसना पड़ता है, हम किसके पास जाएंगे? पिछले 4 साल से मैं भी पकार लगा रहा हूँ, कोई भी निज़ाम ऐसा नहीं है जो आज हम आपको बताएं कि हमारा निज़ाम बिल्कुल चल रहा है। मेरी एक ही गुजारिश है लास्ट में कि आप यहाँ एक इंक्वायरी की टीम बैठाएं और स्पेशली जितने हमारी पंचायत के अंदर स्कूल हैं सबका आप इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करें और सब स्कूलों की कंडीशन चेक करें, खासकर जो ये प्राइमरी स्कूल है, बहुत बड़ा पुराना प्राइमरी स्कूल है। मेरी लंबरदार साहब से बात हो रही थी, लगभग 40 साल से पहले ये बिल्डिंग बनाई थी, तो आज इसका हालात ये हो चुकी है, तो मेरी गुजारिश है कि आप इसको चेक करके इस बिल्डिंग को ठीक करें, और इसको या तो हमें नई एजुकेशन डिपार्टमेंट का पैसा कहाँ जा रहा है, क्या ये पिछले 2 दिन पहले जो हमारी एक काउंसिल की मीटिंग होनी थी वो भी इसी वजह से हमारे डीडीसी पीडीसी वहां पे बाइकट किया, वो इसलिए किया कि जब काउंसिल की मीटिंग हुई वहां पे 39 डिपार्टमेंट को बुलाना था लेकिन सिर्फ 6 डिपार्टमेंट को बुलाए, वहां पे दावत दी, तो इसीलिए हमारी जो काउंसिल है वो भी पूछ रही है कि जब बाकी के डिपार्टमेंट हैं तो उनका पैसा जो है या उनका जो जो भी निज़ाम है वो किस तरीके से निज़ाम चला रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप फिर एक बार लास्ट एलजी, हमारी यूटी जो एलजी है यहाँ पे, गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से भी गुजारिश है और डीसी साहब पुंछ से भी कि आप स्पेशली जो हमारा ये एजुकेशन का निज़ाम है इसको बेहतर से बेहतर बनाएं, और इस स्कूल की जो हमारा ये प्राइमरी स्कूल सेना में है पंचायत सलानी के अंदर, इसको चेक